वेलकम टू मैथ क्लास चैनल इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं रेशो और प्रोपोर्शन को रेशियो क्या है पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं आर रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज टू क्वांटिटीज के दरम्यान में जो रिलेशन है जो ताल्लुक है और द सेम काइंड Uh, अगर वो द सेम काइंड अगर वो सेम किस्म की है और जिसका जो है यूनिट सेम है उसको मयर किया जाता है सेम यूनिट में तो उसको हम क्या कहते हैं रेशो कहते हैं इफ़ ए एंड बी आर टू क्वांटिटीज अगर ए uh, और बी टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड एक ही किस्म की एंड बी इज़ नॉट जीरो और जो बी है वो नॉट ज़ीरो है ज़ीरो नहीं है देन द रेशो ऑफ ए एंड बी इज़ रिटर्न एज तो जो है ए और बी की जो रेशो को किस तरह लिखा जाता है इस तरह ए रेशो बी ये रेशो है और इनफ्रैक्शन फ्रैक्शन में इसको इस तरह लिखा जाता है ए वाई बी एग्ज़ाम्पल क्या है फे हॉकी टीम अगर एक हॉकी टीम है विन्स वो जीती है फोर गेम्स फोर गेम्स एंड लूजेज फ़ाइव अगर एक हॉकी टीम है वो अगर कि, कितनी गेम्स जीत रही है फ़ोर और कितनी गेम्स हार रही है फ़ाइव दैन दैन द रेशो ऑफ़ द गेम्स वॉन टू गेम्स लॉस्ट इज़ तो गेम जितनी जीत रही है वो हमारे पास कितनी है फोर है और जो हार रही है वो फाइव है तो हमने उसको किस तरह लिखना है एज ए रेशो फोर रेशो फाइव पहले हमें क्या कहा गया है कि हमने इसको अगर ये बताना है कि जीत कितनी रही है तो वो पहले आ जाना है तो उसकी क्या है नंबर उसका फोर है और देन वो हार कितनी रही है तो वो फाइव है तो वो बाद में लिखना है इस तरह फोर रेशो फाइव और अगर फ्रैक्शन में लिखना है तो उसको फोर बाई फाइव लिखना है रिमेंबर डैट ये पॉइंट्स है ये या हमने याद है कि द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स इन रेशो इज इंपॉर्टेंट जो ऑर्डर होता है एलिमेंट्स का रेशो में वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है जैसे कि मैंने आपको कहा कि अगर हमें कहा जाए कि आपने रेशो फाइंड करनी है या रेशो लिखें कि जैसे यही है कि टू लो वेस्ट वॉन टू कि पहले वॉन की ही रेशो बतानी है देन लोस्ट की ये नहीं आपने करना कि पहले आप लॉस्ट की बता रहे हैं जैसे पहले यहाँ पर फाइव लिख दो यहाँ पर फोर, तो फिर वो रेशो में आपका आंसर रोंग हो जाएगा इसी तरह अगर आपने रेशो भी फाइंड करनी होती है टू क्वान्टिटीज के बिटवीन या जो भी आपने करना तो उसमें क्या होता है हमारे पास के ये होता है कि हमने जो ऑर्डर उसका सेम रखना होता है सही रखना होता है कि पहले जो कहा गया है कि फॉर एग्जांपल क्वेश्चंस होते हैं कि हमने ए, इतने स्टूडेंट्स हैं इनके जो इतनी बॉयज़ हैं इतने गर्ल्स हैं तो फिर रेशो फाइंड आउट करनी होती है बॉयज़ टू गर्ल्स इस तरह तो फिर पहले बॉयज़ टू गर्ल्स का आ गया तो बॉयज़ की करनी है देन गर्ल्स की करनी है इस तरह होता है तो ऑर्डर सेम हमने रखना है जैसा है इन रेशो ए रेशो बी जैसे है द फर्स्ट टर्म ए इज़ कॉल्ड द एंटीसीडेंट ए इसमें हमारे पास एंटी एंटीसीडेंट होता है और जो सेकेंड टर्म है बी वो हमारे पास क्या है कौन कॉन्क्वेंट है ओके okay? तो इसमें जो सेकंड टर्म है बी वो हमारे पास कॉन्सिक्वेंट है रेशो हैज नो यूनिट रेशो का कोई यूनिट नहीं है तो ये आपने जो hmm. थ्री पॉइंट्स है मैंने बताया वो याद रखने हैं देन आ जाए प्रोपोशन पे प्रोपोशन क्या है प्रोपोशन इज अ स्टेटमेंट विच इज़ एक्सप्रेस एज एन इक्वलेंस ऑफ टू रेशोज़ या इक्वलिटी ऑफ टू रेशोज़ को हम प्रोपोशन कहते हैं ओके प्रोपोशन इज अ स्टेटमेंट विच इज़ एक्सप्रेस एज एन इक्वलेंस ऑफ टू रेशोज़ ये हमारे पास जो है इक्वल है और ये प्रपोशन है ये प्रपोशन है और ये बाद में इसके हम ये लिख दें या उसके बाद ये भी कह दें तो ये क्या है हमारे पास प्रोपोशन ही है इक्वलिटी ऑफ टू रेशोज़ को हम सिंपल में प्रोपोशन कहते हैं टू रेशोज ए रेशो बी एंड सी रेशो डी आर इक्वल अगर वो इक्वल है देन वी कैन राइट हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि ए रेशो बी यहाँ पर ये प्रोपोर्शन लिख दें और फिर सी रेशो डी यहाँ इधर इक्वल लगा दिया फिर क्या आ जाता है हमारे पास कि दोनों ने मल्टीप्लाई हो जाती हैं ये दोनों हो जाती हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स मींस होता है और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स एक्सट्रीम्स इनको कहते हैं ये मींस है वेयर क्वांटिटीज ए डी जो ए और डी हैं आर कॉल्ड एक्सट्रीम्स ये दोनों एक्सट्रीम्स हैं वेयर बी सी जो हैं क्वांटिटीज वो हमारे पास क्या हैं वो है मीन्स ओके सिम्बोलिकली प्रोपोर्शन ऑफ ए बी सी एंड डी इज़ रिटर्न एज उसको सिम्बोलिकली इस तरह लिखा जाता है ए रेशो बी प्रोपोर्शन सी रेशो डी और या फिर इस तरह लिख लें ए रेशो बी दैन इसको इक्वल के हमने कह दिया कि ये इक्वल के इक्वल हो गया और सी रेशो डी आ गया और इसको अगर फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है तो ए बाई बी इज़ इक्वल टू सी बाई डी और इस तरह भी लिख दें डेट को मल्टीप्लाई करवा देना तो फिर ए डी और फिर सी बी सी दिस शोज़ डैट प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीज़ ये भी यही शो कर रहा है हमारे पास के प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम जो है वो किसकी इक्वल हो गया प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के कैसे ए डी प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स आ गया तो ए डी ए डी आ गया और बी सी प्रोडक्ट ऑफ मीन्स आ गया तो बी सी आ गया समझ आया इस तरह ओके okay? तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि हमारे पास क्या है रेशियो क्या है प्रपोर्शन क्या है वो सब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो कैप्चर करना है तो कैप्चर कर सकते हैं आप यहाँ पर होकर हो जाएगा आपसे कैप्चर यस ये पॉइंट्स भी हैं नीचे ओके